बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से अदनान सदीकी साहब के पास आज हम आए हैं और आज हम DHA पेशावर के ऊपर वीडियो बनाएंगे। जैसे कि हम लोग वीकली अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं ज़फ़र अली खान साहब हैं जो लंदन से हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया था हमारी इस वीडियो को, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो वहाँ पर बैठ के अपना कीमती टाइम निकाल के तो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं और हमें कमेंट्स कर रहे हैं। तो सर, आप इसी तरह अगर हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें और ज़्यादा फ्यूल मिलता है, हमें और ज़्यादा पावर मिलती है, क्योंकि जब आप लोग हमें रिस्पॉन्स देते हैं तो हम लोग और मज़ीद आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के तो हमें अपनी जो है वो मोहब्बत का इजहार किया। तो उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे जो हमारी वीडियोस के ऊपर डिफरेंट लोगों की क्यूरीज होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं तनवीर अहमद साहब का एक क्वेश्चन है और उन्होंने आई सेक्टर के बारे में पूछा था कि आई सेक्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। तो अदनान भी, जैसे कि मैंने भी अपने व्यूवर्स को बताया कि तनवीर अहमद साहब थे, वो आई सेक्टर के बारे में पूछना चाहते थे DHA पेशावर के बारे में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आई सेक्टर जो है ये आता है नॉर्दर्न बाईपास वाली साइड पे, यानी ये DHA पेशावर का स्टार्ट होता है AB से, नासिर बाग रोड से। यही रोड सीधा आगे चला जाता है जो पाकिस्तान चौक है, फिर इसी तरह ये रोड जब एंड हो रहा है एंड पे आता है आई ब्लॉक। अगर इसका DHA पेशावर का लेआउट प्लान देखें उसमें आपको आई ब्लॉक बिल्कुल एंड पे लगता है। रह गया इसकी प्राइसेस की बात, प्राइसेस तो हम हर वीक में थोड़े बहुत इसे डिस्कस करते हैं आई ब्लॉक को। आई ब्लॉक में मिनिमम स्टैंडर्ड जो है, यानी आई ब्लॉक का भी नक्शा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम रेट हम इसकी सीरीज़ पे, नंबर के जो सीरीज़ होती है, स्टार्ट के नंबर हैं 1 से 100 तक, उसकी प्राइसेस जो है वो हमारे पास आती है। इस टाइम 160 की प्राइस आ गई है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा इसकी प्राइस कम होती जाएगी। अब जो 2 डिजिट प्लॉट है 1 नंबर से लेके 99 तक, यहाँ पे आपका प्लॉट जो है ये बिकेगा 170 के पास। ये प्राइसेस चली गई थी 210-220 भी डिमांड की जा रही थी, लेकिन प्राइसेस नीचे आ गई। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि प्राइसेस मुहर्रम में नीचे आ रही हैं, अब चंद दिन के बाद मुहर्रम है, मुहर्रम शुरू हो चुके हुए हैं, तो इसमें प्राइसेस नीचे आ रही हैं। अब यहाँ पे जो 1000 की सीरीज़ है या 500 की सीरीज़ है, वहाँ पे इस टाइम प्राइस जो है वो आ रही है तकरीबन कोई 130-135 का रेट आ गया है। 200-300-400 की जो नंबर है वो आ गए आपके तकरीबन 150 में आ गए। इस टाइम आई ब्लॉक की तो ये कंडीशन चल रही है। अदनान भी एक चीज़ और मुझे बता दें कि इसमें जो 2 डिजिट आपने बताया है, अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये 01, 02, 03 किसी भी ब्लॉक का 1 नंबर से स्टार्ट होता है, फिर वो सीरीज इसकी स्टार्ट हो जाती है। 1 नंबर अगर हम नक्शे पे देखें किसी भी DHA का या किसी भी सोसाइटी का, उसका 1 नंबर स्टार्ट में आ जाता है, फिर उसका 1 से लेके 100 तक की सीरीज़ मेन बुलेवार्ड पे, मेन की बैक पे, उसकी बैक पे, इस तरह करके इसकी सीरीज चल रही होती है। ठीक है। आई ब्लॉक का भी जो 1 नंबर से लेके 99 तक नंबर हैं या 100 तक के नंबर हैं, ये या तो मेन पे आएंगे या मेन की बैक पे आएंगे, इस वजह से इसके इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। जैसे जैसे नंबर इसका बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है वो बाउंड्री की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो ये प्राइसेस उसी तरह कम होती हैं कि ये बाउंड्री की तरफ जा रहा है, प्राइस कम होगी। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मज़र अहमद साहब हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया था कि 1 और 2 मंथ्स के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, और अगर हम लोग उसको 6 मंथ के साथ कंपेयर करें तो क्या मार्केट के अंदर डिफरेंस आएगा? दानियाल, इसमें देखें जो करेक्शन आनी थी ना पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से, बल्कि हम 1.5 से 2 महीना लगा लेते हैं, ठीक है, 2 महीने पहले प्राइसेस पीक पे थी, वो टाइम था सेलिंग का, ठीक है, यानी लास्ट हम कर लेते हैं जून का, जून जुलाई में, जून में DHA पेशावर पीक पे जा रहा था, वहाँ पे प्राइसेस 290-295 3 करोड़ भी डिमांड की गई यहाँ की। अब पिछले 2 महीने में जुलाई में जून एंड और जुलाई अगस्त ये आ गया, इसके अंदर 30 से 40 लाख रुपए मार्केट रिवर्स हो चुकी हुई है। कोई इस चीज़ को माने या ना माने,
मार्केट में उस टाइम आपको उसकी असेसमेंट का पता चलता है कि जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, बायर कम होता है, उस टाइम अंदाज़ा किया जाता है, उस टाइम असेसमेंट ली जाती है कि इस टाइम मार्केट की सिचुएशन क्या हो गई ना। बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे सेलिंग कितनी है, अब हमारे पास प्लॉट्स हैं, बायर नहीं है, और यही टाइम होता है बाइंग करने का। जो बायर है या अच्छा इन्वेस्टर है, अच्छा बायर है, वो इस टाइम में बाइंग करता है और तेज़ी में अपना माल बेच देता है। और फार्मूला भी यही है इसका। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भाई साहब का नाम उसमें मेंशन नहीं था, तो इन्होंने कहा है कि आप ज़्यादातर ए बी सी डी के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं, तो आप काइंडली 5 और 10 मरला के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। दानियाल, इसमें देखें, ए बी सी में हम लोग डिस्कस जो करते हैं उसकी वजह है कि डी एच ए ने नक्शा अभी सिर्फ 3 ब्लॉक का दिया, ठीक है। उन 3 ब्लॉक्स की डेवलपमेंट की डी एच ए ने, 3 ब्लॉक्स के ऊपर उसने पोजेशन दे दिया। अब तीनों ब्लॉक्स में ये कंफर्म हो गया कि जी हर ब्लॉक में एक मिनी मार्ट आएगा, एक मस्जिद आएगी, पार्क, वाटर टैंक, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट ब्लॉक में चले जाते हैं 5 मरला 10 मरला में, उसका सिर्फ अब नंबरिंग का नक्शा आना है बस। पैटर्न उसका भी यही होगा जो ए बी सी का, उसमें भी एक मिनी मार्ट होगा, एक वो पार्क होगा, मस्जिद है, और ये सेक्टर शॉप्स हैं। आगे फिर जो है इसका डी ब्लॉक है, डी टूरिज्म आ गया, डी ब्लॉक में एडवेंचर एरिना आ गया, ये हम पहले भी कितनी दफ़ा बता चुके हैं, हर दफ़ा बताते हैं हम। आगे फिर जो इसका ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक भी बड़ा सिक्योर है। 5 मरला 10 मरला जो है, 5 मरला आता है एफ ब्लॉक में और जी ब्लॉक में। अब जी ब्लॉक में एक मेन ग्रेवयार्ड है जो काफ़ी बड़ा है। अब मैं, मुझे कोई 5 मरले के लिए कॉल करता है कि जी हम जी ब्लॉक में मुझे 60 लाख रुपए का या 65 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है, उन्हें तो मैं रोक देता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ एफ ब्लॉक को, क्योंकि जब तक मेरे पास नक्शा नहीं आएगा, मैं किसी को 5 मरले का प्लॉट दे देता हूँ, वो फेसिंग ग्रेवयार्ड आ जाता है। तो कल को यही हमारे क्लाइंट जो हैं हम लोगों को कहेंगे कि आपने हमारी इन्वेस्टमेंट गलत करवा दी। तो इस वजह से जब तक इसका नक्शा नहीं आता, यहाँ पे जी ब्लॉक थोड़ा सा जो है लिटिगेशन, इस वैसे लिटिगेशन नहीं है, सिर्फ ग्रेवयार्ड की वजह से जो है यहाँ पे ये टेंशन में है। तो ये जब हो जाएगा, जी ब्लॉक में 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल की कटिंग है, ठीक है। जी ब्लॉक में 5 मरले की प्राइसेस जो है अभी भी हमें 60 लाख रुपए का प्लॉट, 55 से 60 का 5 मरले का प्लॉट मिलता है कॉस्ट ऑफ लैंड। 8 मरले का यहाँ पे मुझे मिलता है 75 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ लैंड, प्लस यहाँ पे 10 मरला यहाँ पे मिल रहा है तकरीबन, इस टाइम जो ओन डिमांड की जा रही है वो यहाँ पे डिमांड करते हैं तकरीबन 65-70 लाख रुपए। ये जी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कनाल के प्लॉट बहुत काम आते हैं, यहाँ पे जी ब्लॉक में कनाल की बाइंग करने वाले जी ब्लॉक में नहीं जाते। फिर प्रॉपर जो एफ ब्लॉक है ये 5 मरले का है, एच ब्लॉक जो है ये 10 मरले का है। एच ब्लॉक में 10 मरला जो है ये मिनिमम, अगर मैक्सिमम की बात कर लें, जो फिर बात वही आती है कि 1 नंबर से स्टार्ट होकर 99 तक जो है वो तकरीबन हमें इस टाइम ना डिमांड की जाती है 95 और करोड़ की ओन की। 28 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड अलग देना, 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस अलग दे देना। फिर ये यहाँ पे 10 मरला एच ब्लॉक में है, एच ब्लॉक बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई ऐसा वो ग्रेवयार्ड नहीं है या कोई ऐसी वो लोकेशन नहीं है कि बाउंड्री है या नाला है, ऐसा नहीं है। एच और एफ अच्छे ब्लॉक हैं ये इसके। बिल्कुल ठीक है। तो व्यूवर्स, ये थे आज हमारी डी एच ए पिशावर के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू, और इसके अंदर हमने जो है वो अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में भी इसी तरह करेंगे, आपकी जो भी क्यूरीज होंगी, आपके जो भी सवाल होंगे, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर वो मेंशन कर सकते हैं और हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको अच्छे तरीके से अपडेट करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।